बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट, गवर्नमेंट की तरफ से लड़के और लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप स्कीम का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आपको मुकम्मल तफसील बताऊँगा और पाकिस्तान की तमाम लड़के और लड़कियाँ इस स्कीम में अप्लाई कर सकती हैं, स्कॉलरशिप और लैपटॉप हासिल कर सकती हैं। आप कैसे लैपटॉप हासिल कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, किस क्लास से लेके किस क्लास तक ये स्कॉलरशिप और लैपटॉप दिए जा रहे हैं और आपने अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए या आपको लैपटॉप मिल जाए, तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ बनी हुई बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो या एडमिशन के मुतालिक वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ये एडवर्टाइजमेंट अनाउंस किया गया है एसटीएसआई स्टैंडर्ड अवार्ड्स के मद में। ये एडवर्टाइजमेंट आया है सेशन 2021-2022 के लिए। स्टैंडर्ड टेस्ट एंड सर्विस की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से ये अनाउंस किया गया है। स्टैंडर्ड टेस्ट एंड सर्विस इस्लामाबाद की तरफ से सुबह पंजाब में स्टैंडर्ड अवार्ड सेशन 2021-2022 के तहत मिडल, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जेर तलीम तलबा तलबा से दरख्वास्तें मतलूब हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको लैपटॉप और स्कॉलरशिप दिए जाएंगे और ये जो है आपको मेरिट तहसील लेवल पे दिया जाएगा। मेरिट तहसील लेवल पे आपको ये जो तमाम चीज़ें हैं, आपको लैपटॉप और स्कॉलरशिप जो है मेरिट बेस पे दिया जाएगा और तहसील लेवल पे आपको दिया जाएगा। ये भी बताया गया है स्कॉलरशिप एक साल की मुद्दत के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे और तमाम लैपटॉप और स्कॉलरशिप सेशन जो है तहसील सतह पर दिए जाएंगे, तहसील लेवल पर आपको तमाम दिए जाएंगे। अभी आपको मैं आपको अलियत बताता हूँ कि अलियत आपकी क्या होनी चाहिए। अलियत आपकी मैट्रिक, अगर आप मिडल में अगर आप हैं तो आठवीं के तलबा तलबात अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक नैम दैम के तलबा तलबात अप्लाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 11वीं और 12वीं के तलबा तलबात अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल आपका होना चाहिए, CNSE या बेफार्म आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अप्लाई आपने कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए बताया गया दरख्वास्त फॉर्म जो है और तफसीलात वेबसाइट जो है www.stsi.org.pk पे आपने जाना है और वहाँ पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद बताया गया कि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है 19 नवंबर 2021 जो है ये आपकी लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपने ऑनलाइन दरख्वास्तें जो है सबमिट करवा लेनी है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि मैनुअल ऑनलाइन टेस्ट 19 दिसंबर 2021 को इतवार को होगा, जो कि मुतलका क्लास के सिलेबस लिया जाएगा। अगर आप मिडल में हैं तो मिडल के सिलेबस लिया जाएगा, मैट्रिक का और इंटरमीडिएट के सिलेबस आपसे लिया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन काबिले कबूल होंगी। आपने जो नंबर देना है वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, आपका ओरिजिनल नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस बताया गया है कि किस किस सिलेबस से आपके जो है क्वेश्चन आपसे सिलेबस में लिए जाएंगे टेस्ट की मद में। आपसे इंग्लिश में आपसे जो है वो सैनोनाइम्स, एंटोनाइम्स और ग्रामर के बारे में पूछा जाएगा, 50% इसके मार्क्स होंगे। करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जाएगा जिसके 20% मार्क्स होंगे और उसके बाद उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज में 30% मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 होंगे, पासिंग मार्क्स 50% आपने लेने हैं। टेस्ट पैटर्न जो होगा MCQs की शक्ल में आपसे लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप मज़ीद तफसीलात आप हासिल करना चाहते हैं तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जाके आप तफसीलात हासिल कर सकते हैं। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए जो कि अभी तलीम हासिल कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप जो है देने का प्रोग्राम बनाया गया। मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई इसको करना है और कहाँ पर आपने जाना है। अप्लाई करने के लिए आपने वेबसाइट पे जाना है, www.stsi.org.pk पे आपने जाना है। जाने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो के आएगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बताया गया न्यूज़ एंड अपडेट्स, यहाँ पे स्टैंडर्ड अवार्ड सेशन 2021 के लिए यहाँ दिया गया। यहाँ पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो के आएगा। यहाँ पे बताया गया स्टैंडर्ड अवार्ड सेशन 2021-2022 एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे 20 दिन अभी बाकी हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, बैंक चलान आप यहाँ से ले सकते हैं, उसके बाद HBL का ले सकते हैं, MCB का बैंक चलान दोनों आप यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट डेट 19 नवंबर 2021 है और टेस्ट डेट जो है वो संडे 19 दिसंबर 2021 है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा। वहाँ पर आपने तमाम अपनी इंफॉर्मेशन देनी है और वहीं पर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। आपको
बता दिया जाएगा कि किस दिन आपका टेस्ट है। अगर आपका सेलेक्ट हो जाते हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो जाती है, तो उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि टेस्ट के लिए आपने किस जगह पे आना है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग से जाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।